एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट से हर्ष फायरिंग पर रोक और इसे रोकने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। लेकिन बावजूद इसके हर रोज हर्ष फायरिंग के वीडियो सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार तो हर्ष फायरिंग ने बदायूं में एक शख्स की जान भी ले ली। खुशी का आलम था, लेकिन मौत ने डाला डेरा। खुशी में लहराई गई बंदूक और फिर दिखा खूनी मंजर। जगमग रोशनी से नहाती इमारत की आंगन में मौत ने जब डेरा डाला तो हड़कंप मच गया। खुशियों का आलम मातम में हो गया तब्दील। बंदूक से निकली गोली तो जमीन पर लिख दी गई खून की कहानी। बदायूं के आलापुर थाना इलाके ककराला कस्बे में पार्षद के भाई की शादी थी। चेहरे पर खुशियां थी, लोग मदमस्त थे, जलसा सजा हुआ था। लेकिन तभी हुई एक वारदात जिससे सहम गए लोग, मच गया हड़कंप, माहौल मातमी हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे और जब भीड़ छटी तो जमीन पर पड़ी थी खून से लथपथ लाश। दरअसल ककराला कस्बे में वार्ड नंबर 8 के सभासद माहे नूर के भाई की शादी थी, जिसमें हर्ष फायरिंग होने लगी। लोग भी फायरिंग का लुत्फ उठाने लगे, लेकिन तभी एक गोली शादी में शामिल हुए युवक को जा लगी। खून से लथपथ साजिब जमीन पर गिर पड़ा। लोग कुछ समझ पाते तब तक वो बेसुध हो चुका था। आनन फानन में साजिम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां साजिम ने रस्ते में ही दम तोड़ दिया। ये शादी हॉल में ककराला तो क्या गोली बरात थी, उसमें मारी। कौन लोग थे ये नमाले, हम तो हैं बाद में। वारदात की जानकारी मिलते ही पूरा पुलिसिया अमला मौके पर पहुंचा, जिसके बाद एसएसपी मामले की तफ्तीश में जुट गए। वहीं साजिम के शव को कब्जे में लेकर पुलिस हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की तलाश में जुट गई। ये थाना लापुर क्षेत्र के ककराला कस्बे का मामला है। एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, उसकी एक गोली लगने से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया ये मामला एक्सीडेंटल फायरिंग हर्ष फायरिंग का लग रहा है, मगर इसमें पुलिस की विवेचना चल रही है और जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार पुलिस दावा करती है कि उसके इलाके में हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बदायूं के थाना अलापुर इलाके में हुई वारदात ने बदायूं पुलिस की सक्रियता को होल कर रख दिया। सिर्फ बदायूं ही नहीं, वाराणसी में भी कानून को मुट्ठी भर दबंगों ने खूंटी पर टांग दिया और अब उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वाराणसी के सिंधौरा में एक जन्मदिन की पार्टी मनाई गई। सामने मेज पर सजा हुआ केक और उसी केक के कटने की प्रक्रिया शुरू होती है तो जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। दरअसल ये मामला दशरथपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां के रहने वाले सूबेदार नाम के शख्स के बेटे के बर्थडे पार्टी और तिलक समारोह के दौरान कानून को हवा में उड़ा दिया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं अमरोहा के हसनपुर इलाके में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान जमकर कानून का माहौल उड़ाया गया, जहां मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी सिंह राठौर ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।